तो योनो ऐप से जब भी आप पेमेंट करने जाते हैं तो इस इंटरफेस पर आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। बट प्रॉब्लम यही आ जाती है कि यहाँ पर हमारा अकाउंट शो नहीं होता है। हम कितनी बार भी ट्राई कर लें बट यहाँ पे हमारा अकाउंट शो ही नहीं होता है, जिस वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे अपना अकाउंट को ला सकते हैं, इस वीडियो में आपको 101% इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। YouTube पर इस टॉपिक की ढेर सारी वीडियो बनी हुई है बट किसी भी वीडियो में परफेक्ट सलूशन नहीं दिया गया है। और इस वीडियो की डेट आप देख सकते हैं, ये जानकारी मैं सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूँ। इसके बाद इस वीडियो की कितनी कॉपी बनती है वो तो आपको बाद में पता चली जाएगा, लेकिन क्रेडिट कोई नहीं देगा। अगर आप ये वीडियो बनाने वाले हैं तो प्लीज़ क्रेडिट जरूर दे देना भाई। खैर, अपने प्रमोशन की बात तो बाद में करते रहेंगे, तो अभी डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको योनो ऐप में अपना एम पिन डाल के लॉगिन कर लेना है। ओके, अभी आप यहाँ पे योनो पे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे भीम UPI पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अभी आपको यहाँ पे नीचे की साइड मैनेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो योनो ऐप में आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वो अकाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको इस अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सेट UPI पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जब तक आप यहाँ पे UPI पिन सेट ही नहीं करेंगे तब तक आपको वहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन कैसे दिखाई देगा। तो बस UPI पिन बना लो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आप यहाँ पे सेट पिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पे एंटर कर देनी है और यहाँ पे एक्सपायर मंथ ईयर यहाँ पे एंटर कर देने हैं। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आपके बैंक में जो नंबर लिंक है उस नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। हालांकि प्राइवेसी की वजह से यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है बट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो OTP डालने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने UPI पिन बनाने का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पे अपना UPI पिन बनाएंगे। अब आपको यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो जो UPI पिन अभी आपने बनाया था वो UPI पिन आपको दोबारा से एंटर कर देना है। UPI पिन डालने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपका UPI पिन यहाँ पे सक्सेसफुली बन जाएगा। तो अब मैं किसी के पास पेमेंट करने जाऊँगा तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे UPI के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक UPI ID डाल देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर आ चुका है। देखा कितना आसान था इस प्रॉब्लम को सोल्व करना।